एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वैली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, साथ ही में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इजी वैली कुकिंग को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की हमारी रेसिपी है गेहूं के आटे से बनने वाले आलू पफ। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है 3 कप गेहूं का आटा, 4 आलू उबालकर कस के लिए है, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 गाजर बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हरी धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, जीरा और हल्दी पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं आलू पफ बनाने की प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम पफ के लिए लगने वाला आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून गरम तेल। गरम तेल इसलिए डालना है ताकि पफ जो है वो खस्ता बने। मिक्स कर लेंगे, इसे चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि तेल गरम है। अब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इसे एक सन कर लेंगे इस तरह से। तेल जो है वो आटे में अच्छे से लगना चाहिए। तेल और आटे को मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। जब हम इसे इस तरह से शेप देंगे तो इस तरह से ये शेप होल्ड करना चाहिए तो हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका शेप होल्ड नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच तेल और डालिए। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर हमारा सख्त आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे और इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है, स्मूथ और टाइट आप देख सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और 20 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम इसके लिए लगने वाली स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से फूलने देंगे। जीरा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। कलर चेंज होने तक पका लेंगे। प्याज का कलर यहाँ पर हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ गाजर। मिक्स करेंगे अच्छे से। गाजर और शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट गाजर और शिमला मिर्च को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। ध्यान रहे कि आटा गूंथते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। मिक्स करेंगे इन्हें अच्छे से। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे उबालकर कसे हुए आलू और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट और पका लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं
और इसे ठंडा कर लेते हैं। 20 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है, जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके पफ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉल साइज आटा ले लिया है, तो ऊपर से हम सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं, गेहूं का आटा है, और इसकी थिक पूरी बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पूरी बेल के ले ली है, आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला नहीं बेला है मैंने इसे। तो अब हम एक चीनी की मदद से इसे रेक्टेंगल शेप दे देते हैं। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड का आटा निकाल लेते हैं। ओके, तो अब हम स्टफिंग ले लेंगे, उसे इस तरह से ओवल शेप दे देते हैं। ओके, अब स्टफिंग हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर जो ये किनारा है हम उसे उठा लेंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिक कर देंगे। अच्छे से स्टिक करना है ताकि फ्राई करते वक्त स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम एक फोक ले लेंगे और इससे हम सील कर देंगे ये किनारे इस तरह से। यहाँ पर हमारा पफ रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से। तो इसी तरह से हम बाकी के पफ भी बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पफ मैंने यहाँ पर रेडी करके ले लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पे गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें एक एक करके पफ छोड़ देते हैं। पफ को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो सके। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने पफ को तेल में डाला था तो वो नीचे बैठ चुके थे, अब ये अच्छे से फ्राई होके ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। हमें पफ को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पफ जो है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से और इसी तरह से हम बाकी के पफ भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पफ जो है वो फ्राई करके रेडी हो चुके हैं। एक मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ओके, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और टेस्टी दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश, गेहूं के आटे से बने आलू पफ। तो आप भी ये डिश घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।